हम बात करेंगे कि कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला का रोग हो गया हमें, तो उसमें कौन कौन सी सिंपल सी एक्सरसाइजेस करनी है जिससे कि हम अपने कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला यानी छोटी उम्र के घुटने के दर्द को, रनर्स नी को प्रिवेंट कर सकें। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हमें क्या करनी है, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सिंपल एंकल टू पंप्स करने हैं 20 टाइम्स मॉर्निंग 20 टाइम्स इवनिंग। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको कोई भी बोल्स्टर अपने घुटने के नीचे रखना है, इसको प्रेस करना है टाइटली और पंजे को अपनी तरफ खींचना है 1, 2, 3, 4, 5 20 टाइम्स इन द मॉर्निंग 20 टाइम्स इन द इवनिंग। जिस भी घुटने में दर्द है उसे आप कर सकते हैं, चाहे तो प्रिवेंशन के तौर पर आप अपने दोनों घुटनों से भी कर सकते हैं। इसके बाद इसी को आप अपने हैमस्ट्रिंग का आइसोमेट्रिक्स करने के लिए इसको नीचे रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 फोर्थ एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला को ठीक करने के लिए काफ का स्ट्रेच करना है दिन में 2 बार 1, 2, 3, 4, 5 नेक्स्ट आपको 1, 2, 3, 4, 5 क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग करनी है 1, 2, 3, 4, 5 कभी भी इस एक्सरसाइज में आपको वेट यूज नहीं करना है, नहीं तो आपका पेन बढ़ सकता है 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 लंजेस, डीप स्क्वाट्स और क्रॉस लेग सेटिंग, ये तीन चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी अगर आपको कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला या रनर्स नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको स्क्वाट्स का स्ट्रेच करना है 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 नेक्स्ट में आपको टोस पे खड़े होना 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 सारी एक्सरसाइज 20 टाइम्स मॉर्निंग एंड इवनिंग। नेक्स्ट आप ऐसे फुट प्रेस पे खड़े हो जाएंगे, पहले एक एक टो का मूवमेंट करेंगे ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 इसके बाद इस तरीके से कोशिश करिए, ठीक है, दोनों 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 एब्डक्शन करके 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है जिसे आप अगर अपने लाइफ स्टाइल में लाएंगे तो जो आपका कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला रनर्स नी एट द एज ऑफ 30 या 40 ईयर्स में पेन हो रहा है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो इन सारी एक्सरसाइजेस को अपने लाइफ स्टाइल में लाइए और अपने नी को पेन को प्रिवेंट भी करिए और क्योर भी करिए। मैसेज अच्छा लगे तो आप सबके साथ शेयर करिए। Stay safe and healthy. Bye-bye.